हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। और मैं जहां पर आया हूं, यहीं से मैंने अपने कहीं ना कहीं चैनल का स्टार्ट किया था, इस एरिया में, नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 में। यह है एक्सटेंशन वैली। और जैसा कि आप जानते हो, मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं ऐसी लोकेशंस पे ही चीज लाऊं जहां मुझे पता चले कि पहले से ही सब कुछ डेवलप है। तो यहां पर फिर से आए हैं टूप्लेक्स विला, और इसी के अंदर है। ये नहीं कि मुझे वहां जाना है, एक्सटेंशन है वहां जाना है, आप 2 किलोमीटर उधर चलो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर ही है, सामने ही बन रहे हैं। आप आओगे, आपको सीधे सीधे क्लियरिटी मिल जाएगी, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिस्टेंस की बात करूं, 4 मूर्ति से आप ले लो इसको, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अंदर आपका राजेश पायलट गोल चक्कर से। ये क्लियर सिचुएशन है, सारा बना हुआ है आसपास। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, नीचे रोड देखिए इधर, ये देखो, ये सामने मार्केट बनी हुई है, मेडिसिन शॉप, प्रॉपर रोड है इधर। और इस तरफ की बात करूं तो इसी के अंदर प्ले स्कूल वगैरह भी इसके अंदर ही है। 80 फैमिली ऑलरेडी रह रही है इसके अंदर, 80 फैमिली बताओ। और ये सामने हाई राइज बिल्डिंग है सारी। तो नितिन जी हैं, मैं खुद नहीं बोलना चाह रहा, मैं उनसे ही सारी चीज़ें पूछूं और समझाऊं भी आपको। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं और सारा देखते हैं क्या है ये। हेलो नितिन जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मुझे ज़्यादा आपसे ज़्यादा बढ़िया लग रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं पहली बार शूट कर रहा था यहाँ पर, यूट्यूब के करियर की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसी प्रोजेक्ट से हुई थी। और तब ये तो नहीं थे, उस टाइम हम उधर शूट करते, फिर ये छत बनी तो हम इस पर आए, और तब ये सामने मकान मुकान ऊपर वाले साइज में कुछ नहीं बना हुआ था। 6-7 फैमिली ने यहाँ पर डुप्लेक्स भी अपने खुद बना, हाँ खुद बना दिए, डुप्लेक्स लिया और डुप्लेक्स बनाया। अब मुझे जब पता चला कि आप अंदर ही बना रहे हो, मैंने कहा चलो फिर ये तो छोड़ना ही नहीं है। आप लोगों की इतनी डिमांड, इतनी डिमांड है, हमें डुप्लेक्स लाने पड़े। हाँ नहीं नहीं अच्छा, और सोसाइटी के अंदर, क्योंकि आप भी जानते हो अक्सर आजकल यही ट्रेंड चल पड़ा है, यहाँ दिखाते हैं रेडी टू मूव और वो चले जाते हैं 2 किलोमीटर दूर, ये हमारा एक्सटेंशन है। और बिल्कुल रेडी टू मूव है, हमने कमर्शियल हमारा रेडी है, फैमिली रह रही है, सारी सर्विसेज बिल्कुल जो है ऑन गोइंग है, हैबिटेट है बिल्कुल। ठीक है, तो सर मुझे अब ना डिस्कस तो करूंगा मैं जो भी है, ये तो हमने देखा ही है पूरा अच्छा, और लोगों को मैं दिखाई रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, सोसाइटी में अंदर चलते हैं और सारा दिखाते हैं। चलो सर शुरू करते हैं। तो नितिन जी, अभी हम वहां से होके आए हैं, तो व्यू तो बहुत शानदार आपकी सोसाइटी का। अब मैंने सोचा थोड़ा सा विला भी दिखा दूं, लेकिन अंदर से दिखाएं। तो यहाँ भी हम छत पे चढ़ गए, क्योंकि ये सामने वाले जो हैं ये कितने के हैं? यहाँ पे 6 यूनिट आपकी जो है 80 गज की आ रही है, ये 80 गज की यूनिट आ रही है। और ये सामने सारा सेक्टर एरिया, ये सामने अथॉरिटी जो है बिल्कुल आप देख रहे हो सेंटर में हम लोग हैबिटेट के अंदर, जो हमने ये प्लॉट जो हमने बाय बैक कराया और यहाँ पे जो है 6 यूनिट लेके आ रहे हैं। हाँ, रेडी टू मूव जो है आपकी सोसाइटी, ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि एक होता है कि आप बिल्कुल किनारे में कहीं काट रहे हैं, बन रही है, यहाँ सारी सोसाइटी बनी है, उसी के अंदर विला बन रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है। ये जिसमें जिसपे हम खड़े, ये कितने गज का है? ये 92 गज का है। ये 92 गज का यूनिट है, अभी अवेलेबल है, ये बता रहा हूँ। अच्छा, ये अवेलेबल है। किसी क्लाइंट की अगर आपकी कंसर्न हो कि मुझे कॉर्नर यूनिट चाहिए, हाँ साइड ओपन है, आप देख सकते हैं कॉर्नर यूनिट है 92 गज की। हाँ तो देखो, ये आपकी सोसाइटी का यहाँ से भी व्यू कितना अच्छा आ रहा है। ये वही सोसाइटी आपके एक्सटेंशन वैली जो हमने डिलीवर करी, हाँ, और हम वहाँ खड़े हो गए, व्यू करते थे, ढूंढते थे, ये वही है। और पूरी ये सोसाइटी आपकी बड़े अच्छे से डिलीवर हो गई। तो सर सर नीचे चल के देखते हैं इसमें क्या क्या बना के दे रहे हो आप। ये दोस्तों, अभी मैं आप कह सकते हो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ एक तरह का। तो ये आप मुझे लग रहा है लॉन्च कह लो या थोड़ा ओपन एरिया कह लो, पहले एंट्री करते ऊपर आएंगे जब हम, वो होगा आपका शटल लग जाएगा। अच्छा, और इधर आपका जो एक गेस्ट रूम आ जाता है। आप जो ये बनाओगे सारे, तो मतलब इसे किस तरह से करके दोगे? सेमी फर्निश करोगे? सेमी फर्निश करके दे रहे हैं, फॉल्स सीलिंग का काम आपको सारा मिलेगा, लाइट फैन, आरओ, गीजर, चिमनी और मॉड्यूलर किचन, ये सब सारा काम आपको करके देंगे, ये करके दोगे आप। अच्छा, यहाँ अरे ये क्या है, तो बड़ी लंबी है। बिल्कुल, अरे बाप रे, ये कितने 90 गज इतनी लंबी निकल जाती है। बिल्कुल भाई। अच्छा अच्छा, कॉर्नर है ना, बड़ी लंबी है वाकई, ये तो अच्छी चीज़ है। बैक साइड ऊपर गया है कॉर्नर में, लंबी सी सोसाइटी। चलो अंदर चलते हैं, कितने रूम है? 4 BHK है। गुड गुड गुड, 4 BHK। ये क्या दिया इधर? वॉशरूम, ये हाँ। वो तो वो है ना, तो ये क्या है, ये स्पेस किसके लिए? ये ड्रेसिंग एरिया हो गया, वॉशरूम हो गया। अच्छा, ये वॉशरूम के लिए आप बनाओगे स्पेस। इधर शाफ्ट हो गई वेंटिलेशन में, हाँ ये शाफ्ट हो गई आपकी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इधर चलें। ये वाले रूम्स, हर रूम के साथ तो हो गई आपकी गैलरी फिर तो? बिल्कुल, है ना। हाँ, अभी काम चल रहा है उधर। ये फ्रंट बालकनी आपकी होगी, प्रॉपर आपको जो है धूप मिलने वाली है, ऐसी यूनिट है। एक्चुअली यही रीजन है कि जो मैं पुरानी सोसाइटीज होती है ना, उनके अंदर जब काम होता है तो
उसका कवर करने का फायदा ये होता है कि आपको आइडिया होता है कि उन्होंने क्या पहले किया, क्या वो करके दे सकते हैं, देख सकता है कि जो हाँ डिलीवर करे हुए वो किस कंडीशन में हाँ क्वालिटी है, उनसे और अपग्रेड करते हुए हम जो लेके आए डुप्लेक्स को। और सबसे बड़ी बात, करने के बाद वहां टिके हैं या निकल गए वहां से? ठीक है सर। तो मोटा मोटा तो अभी नीचे भी जाना है, बहुत मेजरली दिक्कत आपके आती है बोर्ड पे जो है टर्माइट लग जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एंटी टर्माइट जो है कि आपका जो है चीज लगाई हुई है बिल्कुल जो आयरन का है और एसएस का। ठीक। चलो सर नीचे चल के देखें। तो सर ये अब हम नीचे आ गए हैं, तो काफी बड़ा स्पेस है आपका ड्राइंग डाइनिंग का। होने के बाद इसको डाइवर्ट हो जाएगा कि आपने ये ड्राइंग एल शेप का आपका प्रॉपर यहाँ पे आप जो सोफा सेट डाल सकते हैं, सामने टीवी पैनल हम लगा के दे रहे हैं। ये लगा के दोगे आप? यहाँ पे टीवी पैनल जाएगा। ओके, सर यहाँ अगर डाइनिंग बनाएंगे तो मतलब ये चोट लगने का थोड़ा वो नहीं रहेगा? हाँ वो आप कह सकते हैं, वो ठीक है। ये आपका जो है किचन हो गया, काफी बड़ा स्पेस है, जो है दी हुई है, बहुत बड़ा स्पेस दिया आपने किचन के लिए भी। ओके, अच्छा आपका बेडरूम आ जाता है जो कि गेस्ट बेडरूम हम कहते हैं। या ओके, बिल्कुल। और ये साथ में भी आपका जो है अटैच वॉशरूम कॉमन शाफ्ट आ जाती है। ओके, ये कॉमन रहेगा ना अटैच वाला? ओके, ये नीचे शाफ्ट हो गई। तो यानी आपने नीचे दिए हैं एक रूम, ऊपर तीन रूम है ना, 4 BHK वाला आपका है ये, 4 BHK। और यहाँ आ गई मेरे ख्याल पार्किंग कवर्ड, फुल साइज कवर्ड पार्किंग आपको यहाँ मिल रही है। अपना यहाँ पे गेट लगाइए, आपकी जो है कार बिल्कुल जो है सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे रहेगी। ओके, तो सर अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ चीजें चल रही हैं, इनकी प्राइस क्या रहने वाली है? इसका प्राइस मान के चलिए 3600 रुपए पर स्क्वायर फीट का हमारा रेट है, प्लस हमारे कुछ एडिशनल चार्जेस है। लाइक आपका जो है पोजीशन चार्जेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, और कॉर्नर की PLC होगी, ये सब जो है PLC आ जाती है। अच्छा, लोन फैसिलिटी 80% आपको मिलेगी। LIC है, J&K बैंक है, कैनफिन है, PNB है, J&K है, बिल्कुल, that's cool, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो यानी बैंक की भी आपकी स्टोर, और होगा क्यों नहीं, बैंक जब आप ऑलरेडी एक डाइवर्स सोसाइटी के अंदर दे रहे हो तो बैंक तो आएंगे ही आएंगे ऑटोमेटिकली। गुड, तो सर लोन की प्रॉब्लम सॉल्व, रजिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व, मकान की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ही दोगे, पैसे भी दे दो उन्हें, थोड़ा ले लेंगे जल्दी। वो तो है, वो तो चाहिए होगा। अभी मुझे नाइट व्यू भी आने वाले टाइम पे नाइट व्यू की पिक्चर्स भी लूंगा आपकी। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू।